दोस्तों नमस्कार, मैं राज बिहारी गिरी उर्फ सूर्य रवि गोस्वामी आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। राजीव रॉक्स, ये नाम आपका तो जाना पहचाना ही है और हमारा ये प्यारा बच्चा। मैं इससे वादा कर चुका हूँ कि जो भी जिज्ञासा किसी की भी होगी उसे शांत किया जाएगा और मैं बार बार हर बार हमेशा आपसे मिलता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से। तो आज का जो सब्जेक्ट है बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, लोन। जो ले ले वो भी परेशान, जो ना ले वो भी परेशान। ये वो लड्डू है जो बोलते हैं, एक पटना के बगल में शहर है मनेर, मनेर की लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अब इसके कारण बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि लोन तो बिना लोन कभी काम होता नहीं है, लेकिन लोन गरीबों के लिए परेशानी है, अमीरों के लिए आसानी है। क्योंकि लोन लेने के लिए आज जो हमारी अब कुछ चेंज हुआ है, लेकिन पहले बहुत हमें पापड़ बेलना पड़ता था। तो लोन लें या ना लें, आपके पास यदि कमर्शियल गाड़ियों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बहुत ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी यदि उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर रहे हैं तो उस पर ध्यान होना चाहिए कि वो क्या हमें सही बोल रहे हैं, वही ले रहे हैं क्या। देखिए क्या होता है कि हम 5 साल के लिए ट्रक का लोन लिए और वो बहुत कंपनियां क्या है कि 5 साल का एक साथ लोन जोड़ देती हैं और हमें वो काटते काटते ले जाती हैं। लास्ट में पता चलता है कि हमने लोन तो लिया 5 लाख रुपया और 5 लाख का एक साल का जो होना चाहिए वो 5 साल का एक साथ जोड़कर हमसे लेते गए। और यही यदि हम सरकारी बैंक से लेते हैं तो जितने पैसे हम देंगे उतना का ही लोन हमको देना पड़ता है, उसी साल में उतना हमारी कटते जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप प्राइवेट कंपनियों से ले रहे हैं कि बैंक से लोन ले रहे हैं। अब बैंक से लोन आपको क्यों मिले, क्योंकि आपकी सिविल अच्छा होगा तब आपको बैंक से लोन मिलेगा। और सिविल के लिए आप कभी कोई क्रेडिट कार्ड या यहाँ तक कि आप कोई आपका फ़ोन का भी पैसा यदि बाकी है ना तो समझ लीजिए कि आपकी सिविल ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी पुरानी जितनी भी आपके पैसे फ़ोन वगैरह के बाकी हैं उसको दे दीजिए, आपकी सिविल अच्छे रखिए। और सिविल अच्छी रहेगी तो आपको बैंक का परसेंटेज लोन बहुत कम मिलेगा, यानी 750 से ऊपर आपकी सिविल होनी चाहिए। और 750 के ऊपर सिविल 800 के आसपास रहेगी तो आपको हर बैंक आपको लोन देने के लिए बोलेगा। और लोन एक बात और मैं आपको ध्यान दिला दूं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बातचीत से पता चला कि बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि यदि हम लोन ले रहे हैं तो लोन कैसे क्या हो। देखिए किसी बड़ी ट्रक के यदि लेना चाहते हैं तो कम से कम 20 लाख 22 लाख की लोन हो सकती है। तो आप यदि पहले से इस कंपनी कोई कंपनी के थ्रू या ऐसे जुड़े हुए हैं या आपके पास 5-10 गाड़ियाँ हैं ना तो फुल फाइनेंस आपको गाड़ी मिल सकती है। लेकिन सिंगल आप लेना जाओगे तो 10-20% आपको देना पड़ेगा। तो ये 10-20% मतलब कि यदि 20 लाख की गाड़ी हुई तो आपको 10% यानी 2 लाख, अब 20% यानी कि 4 लाख, 15% में 3 लाख। ये आप मत समझ लो कि आपको 2 लाख और 4 लाख में ही गाड़ी आ गई, इसके अलावा भी बहुत खर्च हैं। मान लीजिए बॉडी उसमें पत्ती वगैरह का बढ़ाना पड़ता है, बहुत माने जो काम है ना हिडन काम आपको गाड़ी लेने के बाद 10-50 हज़ार तक के आ जाएंगे, तो अभी पैसा आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये पैसे के अलावा गाड़ी के पेपर वगैरह बनाना है, ऑल इंडिया परमिट है, जब बड़ी गाड़ी लेंगे तो ऑल इंडिया परमिट है, तो ये सब पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि 2 लाख रुपया और राउंड फिगर बत्ता हो गया, उसके बाद तिरपाल हो गया, बहुत कुछ है जो कि बाद में समझ में आता है। तो ये सब को ध्यान में रख के यदि आप फाइनेंस करवाते हो, और दूसरी बात है कि पहली किस्त और दूसरी किस्त आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी आते आते आप ये पहली किस्त नहीं दे सकते हो। पहले तो आप उसके बॉडी बनवाओगे, पेपर बनेगी, उसके बाद चलना शुरू होगा, तब तक 1 महीना पास हो जाएगा, 1 महीने वाले वो लोग रोक के रखेंगे, 2 महीना में जाने से पहले आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो पहले ही मैंने तलवार चलाई लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए तलवार हमें हमेशा रेडी रखना है। तो लोन लेने के बाद भी अपना पैसा भी होना जरूरी है। यदि आपके पास पैसा नहीं है और उसके बाद लोन लेकर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो हम तो ये बोलेंगे ये काम अच्छा नहीं है। और यदि आपके पास पैसा है तो लोन ले रहे हैं वो भी अच्छा नहीं है। तो दोनों साइड में है,
कि अपने पास पैसा है तो उसे यूज कीजिए, और कुछ पैसा है तो लोन लेकर आप अपना काम आगे बढ़ाइए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, पैसा वहीं लगाएं जहां से आप कमाएं। यदि आप 20 लाख का लोन ले रहे हो और 70,000 से 80,000 यदि आपका मंथली ए आ रही है, तो आप इतना पैसा आपको देने के लिए आपकी गाड़ी कमानी चाहिए, नहीं तो आप बिना मतलब के परेशान हो जाओगे। 2-3 साल बाद में यदि गाड़ी टानी गई तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा और आप परेशान रहोगे और दूसरों को यही बोलोगे कि अरे यार गाड़ी मत लो। लेकिन आप ऐसा करो, मेहनत करो और आप कमाओ, लोगों से बोलो कि गाड़ी लो। मैं तो यही बोलता हूँ, यदि आपके पास ड्राइवर है, पर पिछला में बताया था, यदि ये आपको ड्राइवर ईमानदार है, आपके सहयोगी है, आपको साथ देने वाला है, तो आप 100% सक्सेस हो। यदि आप ड्राइवर हो तो वो 200% सक्सेस हो, और यदि ड्राइवर आपके साथ थोड़ी भी परेशानी की तो आप 0 आ जाओगे, वो लोन आपको परेशान कर देगा। यानी गरीबों के लिए लोन परेशानी है, अमीरों के लिए आसानी है। कि तो आप उनके शोरूम में जाओ, वो भी आपको बताएंगे कि कहाँ से कैसे लोन ये होता है, और इसके विषय में आपको वहाँ जाना बहुत अच्छा रहेगा। तो टाटा की लेना है तो टाटा के शोरूम, जो ट्रक के लिए शोरूम है, वहाँ पे जाइए। वहाँ आपको पहले बताएंगे कितना परसेंट और क्या। इसमें बहुत आपको एक चीज़ और ध्यान में रख लो कि गाड़ियों पे रिबेट भी मिलता है, जो बीच में एजेंट खा जाते हैं, इस पर आप बात ज़रूर करोगे ना आपको। लेकिन एक और बात, आप वहाँ जाते हैं ना तो बहुत कंपनियाँ जो है ना अपनी गाड़ियों पर कुछ रिबेट देती हैं, और ये रिबेट बीच वाले खा जाते हैं। तो आप अपनी ये बात जरूर करें कि हमें रिबेट कितनी, जानते हैं हमारा हिंदुस्तान छूट पे ही सबसे आगे दौड़ता है वो गलत नहीं है भाई, हर किसी को यदि कुछ है। देखिए आज अभी अप्रैल महीना है जहाँ पे दुकानदार सब 10%, 20%, 50% के छूट दे रहे हैं, तो छूट हमें चाहिए ही। तो लेकिन ध्यान में रखिए, छूट में ऐसी गाड़ी ना उठा लें कि आपकी छूट निकल जाए। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी, और आपसे मैं रास बिहारी गिरी उर्फ सूर्य रवि आज बस इतना ही विदा लेता हूँ, और हम तो आपके साथ हैं ही, रास बिहारी। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।